हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप देख रहे हैं, ये परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। तो यहाँ से अनुपात समानुपात टॉपिक आप देख पा रहे हैं। इसके पहले आपको ध्यान होगा, मैंने जो हेडिंग किया था, हेडिंग था योग अंतर और गुणा पर प्रश्न। अच्छा, योग अंतर और गुणा पर जो प्रश्न है, ये मुख्य तीन टाइप में, तीन केस में अलग अलग पूछे जाते हैं, जिसका केस फर्स्ट हो चुका था। अब केस सेकंड की मैं यहाँ से डिस्कस करने चल रहा हूँ, और यहाँ पर इसका डिस्कस करें उससे पहले ए पॉइंट हम नोट कर रहे हैं। नोट हम ये करेंगे कि अनुपात में संख्याओं के मौसम से गुणा करने पर, संख्याओं के मौसम से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि तीन अनुपात चार अनुपात पांच है। अच्छा, मैं आपसे ये कह दूं कि तीनों संख्याओं का मौसम 15 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? तो बस आपको करना क्या है, अनुपात में संख्या के मौसम से गुणा करिए। जैसे पहले संख्या का रेशियो 3 है और मौसम 15 है, तो इस अनुपात में मौसम से गुणा कर दीजिए, तो 15 का गुणा 3 में 15 तिया हो जाएगा 45। अच्छा, दूसरे संख्या की बात करें तो दूसरे का रेशियो 4 है और मौसम 15 है, तो इस अनुपात में मौसम से गुणा करिए, तो 15 चौका 60। तीसरी संख्या में पूछूं तो तीसरे का रेशियो 5 है और मौसम 15 है, तो 15 का गुणा 5 में कितना आएगा, 75। तीनों संख्याएं हैं 45, 60 और 75। यदि तीनों संख्या का आप अनुपात निकालेंगे तो 3, 4, 5 ही आएगा, और 45, 60, 75 का मौसम निकालिए, 15 ही आएगा। मतलब इस बात की पुष्टि है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां तो मौसम दिया था, यदि ये मौसम नहीं दिया होता तो इसके लिए मानना पड़ता, क्योंकि एक ही तरीका है, अनुपात दिया है और संख्या निकालना है या राशि मात्रा निकालना है, तो बिना मौसम से गुणा किए वो चीज नहीं निकलेगा। तो यदि मौसम नहीं दिया है तो मौसम यक्ष मान लीजिए, तो यक्ष का गुणा 3 में करेंगे तो पहली संख्या 3 यक्ष हो जाएगी, और यक्ष का गुणा 4 में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या 4 यक्ष, और यक्ष का गुणा 5 में तो तीसरी संख्या 5 यक्ष। अच्छा देखिए, कभी कभी जब सवाल हल करते हैं, जैसे लिखा रहता है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, यदि क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी? तो जब आप उसका सलूशन देखते हैं तो लिखा रहता है माना लंबाई 5 यक्ष और चौड़ाई 2 यक्ष, तो यक्ष कहाँ से आ जाता है? वही अनुपात जो लंबाई चौड़ाई का 5 और 2 दिया है, उसमें यक्ष मौसम से गुणा कर देते हैं, तो 5 यक्ष और 2 यक्ष। जैसे लिखा रहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो सोल्यूशन देखते हैं तो लिखा रहता है माना संख्याएं 2 यक्ष और 3 यक्ष है, तो यक्ष कहां से आए, इस बात को समझे। चलिए प्रश्न कैसे बनते हैं इसकी मैं चर्चा करूं। ये पॉइंट आपने समझ लिया है, इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। जैसे यहां से एक प्रश्न में लिख रहा हूं, प्रश्न हमारा ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। आगे हमने लिखा है यदि दोनों संख्याओं का योगफल, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 1120 हो, उनमें से छोटी संख्या बताइए, चलिए सॉल्यूशन पर ध्यान दें, बहुत ही आसान सवाल है।
जैसे हमने लिखा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:2, तो सोल्यूशन ध्यान देना, जैसे दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी और इन दोनों संख्या का रेशियो है 5:2, ये संख्या कौन सी है नहीं पता। हम सभी जानते हैं कि यदि अनुपात में संख्या के मसा से गुणा कर दे तो संख्या मिल जाती है, तो मसा तो पता है नहीं, हमने मसा मान लिया एक्स है, ये मसा कितना है एक्स, ये एक्स क्या है इन दोनों संख्याओं का मसा, जो पहली और दूसरी संख्या है उसका मसा एक्स है, तो यहां से पता चल गया। इसलिए पहली संख्या बताइए, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी x का गुणा 5 में, तो 5 का गुणा x में कितना हो गया 5x। और मैं आपसे कहूं कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो x का गुणा 2 में कितना आएगा 2x, ये पहली और दूसरी संख्या हो गई। अच्छा लिखा है यदि दोनों संख्याओं का योगफल 1120 है, किसका योगफल उन दोनों संख्या का, किसका, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 2x है, तो इन दोनों का योगफल 1120 है, मतलब पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 2x और दोनों का योगफल 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x, इसका योगफल कितना है, देखिए 1120 योगफल है, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 2x योगफल 1120 है, तो 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, ये बराबर 1120 है, तो x बराबर कितना 7 गुणा हो रहा है, जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1120 में 7 से भाग करें तो 7 × 1 = 7, अभी 4 बचा है 42, 7 × 6 = 42, 160 आ गया। ये x का मान है, x मतलब किसका मान है मस, तो ये मस 160 है, किसका मस 160 है दोनों संख्याओं का, लेकिन हमसे मस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है उनमें से छोटी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या 5x है और छोटी संख्या कितनी है 2x, 2x का मतलब x का दोगुना, मतलब 2 में गुणा करेंगे x से, और x का मान 160 है तो 16 × 32 320 आ गया। यदि बड़ी संख्या पूछा जाता तो 5 का गुणा x में और x का मान 160 है तो 16 × 5 = 80 कितना हो जाता 800, और जोड़ेंगे तो 1120 आएगा, और इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 5:2 आएगा, 800 और 320 का मस लेंगे तो 160 आएगा। अच्छा यही सवाल होता और लिखा होता कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 360 है, तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, तब मैं क्या करता 5x - 2x = 360 करता, तो 3x बराबर है ना, तो इस तरीके से आप समझेंगे। और यहां पर योग हो गया, अंतर आप समझ रहे हैं, अंतर होता तो बीच में माइनस कर देते। एक सवाल गुणा के संदर्भ में हम चलिए देखते हैं, यहां से हमने प्रश्न ये लिखा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, आगे हमने लिखा कि यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 हो, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 हो, तो मैंने आपसे पूछा कि दोनों संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्याएं बताइए। चलिए सॉल्यूशन पर फोकस करें, जैसे दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी और इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3। अब ये संख्या कौन सी है ये नहीं पता, बस अनुपात पता है, अनुपात केवल संख्या में संबंध बताता है, जैसे बता रहा है कि पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी 3, लेकिन एग्जैक्ट कितनी होगी ये नहीं पता, और एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब उसके मसा के साथ गुणा कराएंगे, तो मसा नहीं पता है, हमने मान लिया दोनों संख्याओं का मसा जो है वो एक्स है, तो मसा से गुणा कर दीजिए दोनों संख्या पता चल जाएगा। इसलिए पहली संख्या कितनी है बताइए, पहली संख्या कितनी 5 का गुणा x में हो गई, पहली संख्या 5x, और मैं आपसे पूछूं कि दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरे का अनुपात 3 है, मसा x है, 3 का गुणा x में। अच्छा हमने दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल 240 है,
तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x, और दोनों का गुणनफल बराबर है 240 के। यही अंतर दिया होता तो बीच में माइनस कर देते। अब गुणा करना तो संख्या का संख्या के साथ और x का x के साथ। जैसे पहले 5 का गुणा 3 में गुणा करिए, तो 5 का गुणा जब 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब x का गुणा x में गुणा करिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घाते जुड़ेंगी, एक घात इस पर है एक इस पर, तो x पर 2 हो गया, बराबर कितना 240। बात समझ रहे कि नहीं, 5 का गुणा 3 में 15 और x का गुणा x में x स्क्वायर बराबर 240। 15 गुणा हो रहा है दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 240 में जब 15 से भाग करेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। ये 15 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर 4। हमसे पूछा है दोनों संख्या बताइए, ये तो मौसम है। तो पहली संख्या 5x है, 5x मतलब 5 में गुणा करेंगे x से, तो 5 में गुणा करें x से, x का मान 4 है तो 5 चौके 20। और दूसरी संख्या 3x है तो 3 में गुणा करेंगे x से और x का मान 4 है, 3 चौके कितना, तो ये संख्या 20 और 12 है। उत्तर की जांच करनी है तो 20 और 12 दोनों संख्या है, अनुपात निकालेंगे तो 5 3 आएगा। 20 और 12 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 240 आएगा, और 20 और 12 का मौसा निकालेंगे 4 आएगा। अब इतना बड़ा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जब भी ऐसे सवाल आप देखा करिए अनुपात 5:3 है तो सीधा एक लाइन में लिखा करिए, माना संख्याएं 5x और 3x है, एक लाइन में काम खत्म। बस उसके बाद सीधा गुणा करिए, 5x गुणा 3x बराबर 240, खुद ही सोल्यूशन छोटा हो गया। एक सवाल चलिए और विचार कर लेते हैं इस पर। जैसे कभी कभी वर्गों के योग से प्रश्न आ जाता है, तो एक सवाल और देख लीजिएगा। जैसे हमने लिखा कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 800 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। चलिए ध्यान देना, 3:4:5 है। अच्छा, ये 3:4:5 है तो हमने मान लिया कि जो तीनों संख्याएं हैं ये क्रमशः कौन कौन सी है, बात समझिएगा। अनुपात में मौसा से गुणा कर दीजिए तो अनुपात 3:4:5 है, मौसा नहीं पता है तो x मान लीजिए। तो पहली संख्या 3 का गुणा x में 3x, दूसरी संख्या 4 का गुणा x में 4x, और तीसरी संख्या 5 का गुणा x में 5x। तो ये तीनों संख्याएं कौन कौन सी है, 3x 4x और 5x है। आगे हमने लिखा है यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब तीनों के वर्ग का योगफल 800 है, तो पहली संख्या कितनी है 3x, तो इसका वर्ग करें। दूसरी संख्या कितनी है 4x, इसका वर्ग करें। और तीसरी संख्या 5x है, इसका वर्ग करें। और तीनों के वर्ग का योगफल कितना है 800। बस अब बात समझिएगा, जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यह हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर प्लस इस 5x पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, बराबर कितना 800। बस तीनों को जोड़ लीजिए तो 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 25x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x का स्क्वायर।
और ये बराबर कितना है 800। 9x2 16x2 जोड़ेंगे 25x2 और 25x2 50x2 बराबर 800। अब 50 गुणा हो रहा है दाहिनी तरफ भाग होगा तो x2 बराबर हो जाएगा 800/50, मतलब कितना आ गया 16, 0 से 0 कटा, 16 × 5 = 80। तो ये देखिए इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर बनेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो x बराबर 4। हम ये मॉस है, हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो 3x सबसे छोटी है, उससे बड़ी 4x है और सबसे बड़ी 5x है, तो x का मान कितना आया है 4, तो 5 का गुणा 4 में तो ये कितना हो गया 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20। तो देखिए आसान सवाल है, पैटर्न आप समझ गए हैं। चलिए योग अंतर और गुणा वाले प्रश्न के केस थर्ड की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब केस थर्ड देखते हैं। अच्छा केस थर्ड में क्या होगा, जैसे बात समझिएगा, मैंने बहुत ही आसान सवाल होगा, हमने प्रश्न लिखा कि दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार है। आगे हमने लिखा जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 10/13 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए, चलिए कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अच्छा ये संख्याओं का अनुपात है और हमसे पूछा है संख्याएं बताइए। ये बता रहा है कि यदि पहली संख्या 3 होगी तो दूसरी 4 होगी, लेकिन एग्जैक्ट संख्या क्या होगी नहीं पता, और एग्जैक्ट संख्या आएगा कैसे। हम सभी जानते हैं कि अनुपात में यदि मास से गुणा करें तो संख्या मिल जाती है, अभी अभी आपने समझा। तो हमने मान लिया, देखिए सीधा आपको मान लेना है, हमने माना संख्याएं क्रमशः, और इस बात का ध्यान देना इसका प्रयोग आगे भी बराबर होता रहेगा। हमने माना संख्याएं क्रमशः 3x और 4x है, बस आपको अनुपात के साथ x चिपका देना है, बस हो गया। 3:4 है तो एक संख्या 3x होगी, दूसरी 4x, बस यही x चिपकाना है, और x क्या है मस। अब बात समझिएगा, प्रश्न यह है कि जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, किसमें 5 जोड़ा जाता है इन दोनों में, तो ये अनुपात बदल जाता है, अब अनुपात 10:13 हो जाता है। कब ये अनुपात 10:13 कब होता है, जब दोनों में 5 जोड़ते हैं तो दोनों का अनुपात चेंज होकर 10:13 हो जाता है। बात समझिए, जैसे पहली संख्या कौन सी है 3x, जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, देखिए दोनों संख्याओं में, और दूसरी संख्या 4x है, जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं तो इन दोनों का अनुपात बदल के किसके बराबर हो जाता है 10:13 के। ये बात समझ है कि नहीं, जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाता है, जैसे पहली संख्या 3x है जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या 4x है जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो अब इन दोनों का जो अनुपात बन रहा है ये किसके बराबर 10:13। अब ये समानुपात हुआ कि नहीं, ए अनुपात बी और बराबर सी अनुपात डी। आप सभी जानते हैं कि जब दो अनुपात समान हो जाए तो इसे समानुपात कहते हैं। ऐसी स्थिति में बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पद का गुणनफल।
तो अब 13 का गुणा इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे और 10 का गुणा इस ब्रैकेट में, तो 13 का गुणा जब इसमें करेंगे तो दोनों पद में 13 तिया 39 एक्स और प्लस 13 का गुणा 5 में कितना 65 बराबर अंदर का गुणा अंदर। अब 10 का गुणा 4 एक्स में गुणा करेंगे तो 40 एक्स और 10 का गुणा 5 में गुणा करेंगे तो कितना 50। अब यक्ष को यक्ष के तरफ कर दीजिए और संख्या को संख्या के तरफ, देखिए कैसे, जैसे यहां 65 है और ये 50 इधर आएगा तो 65 में से 50 माइनस हो जाएगा तो ये 15 हो गया, और बराबर वहां 40 एक्स है, जब ये 39 एक्स उधर जाएगा तो घटेगा, तो 40 एक्स में 39 एक्स घटाएंगे तो यक्ष यक्ष बराबर 15 आ गया। और यक्ष मौसा है, हमसे पूछा है संख्याएं बताइए, इसलिए संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं बताइए, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 3 एक्स है, मतलब 3 में गुणा करेंगे यक्ष से और यक्ष का मान 15 है तो 3 का गुणा 15 में हो जाएगा 45। और दूसरी संख्या 4 यक्ष है तो यक्ष का मान 15 रखें तो 4 का गुणा 15 में कितना, तो इसलिए संख्याएं कौन कौन सी है 45 और 60 है। तो इस बात को बारीकी से देखिए, और ऐसा ही सवाल होता कि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाता है तो जहां प्लस किए हैं वहां माइनस कर लेंगे। चलिए एक हेडिंग में कर रहा हूं अनुपाती संख्या पर प्रश्न। मैं एक हेडिंग कर रहा हूं एक छोटा हेडिंग ये भी है, इसके बाद अब लैंग्वेज वाले प्रश्न पर आएंगे। अभी तक तीनों लेक्चर में हमने बेसिक प्रश्नों को रखा, आधारशिला वाले प्रश्नों को हमने रखा, तो चलिए अनुपाती संख्या पर प्रश्न कैसे बनते हैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे बात समझिएगा, अनुपाती संख्या के जो प्रश्न होंगे, एक प्रश्न पहले मैं लिख ले रहा हूं, हमने लिखा यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अब बात समझिएगा, ऐसे प्रश्न की पहचान क्या होती है, अनुपाती संख्या वाले प्रश्न की पहचान क्या होती है, ध्यान देना, इसकी पहचान यह होता है कि अनुपात में वैल्यू दिया होगा और अनुपात में ही पूछेगा, या फिर बटे में वैल्यू दिया होगा और बटे में पूछेगा। और चाहे देखिए ए अनुपात बी लिखिए, चाहे ए बटे बी लिखिए, बात एक ही है। अब यही सवाल ऐसा भी पूछ सकता था, कैसे, यदि x बटे वाई बराबर 3:1, मतलब x अनुपात y है तो x बटे वाई बराबर 3:1, तो सवाल यह पूछ लेता कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे अनुपात के स्थान पे बटे और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये दोनों प्रश्न एक ही है। अब इसका समझ गए कि नहीं, कैसे पूछेगा, या तो अनुपात में दिया रहेगा और अनुपात में ही मान पूछेगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो बटे में दिया रहेगा और बटे में ही पूछेगा। अब देखिए सवाल को हल कैसे करें, आपको कुछ करना ही नहीं है, हमें संख्या नहीं निकालना है, संबंध निकालना है, संबंध मीन्स अनुपात, अनुपात को संबंध भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए x का वैल्यू 3 रख दीजिए और y का वैल्यू 1, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 1, क्योंकि यदि x 3 होगा तो y कितना होगा 1, क्योंकि अनुपात संबंध बताता है। और यही मान उठा के कहां रख दीजिए, व्यंजक में, अतः हमसे किसका मान पूछा गया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात, अनुपात को चाहे तो बटे में लिख दीजिए, कितना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना बात समझ रहे कि नहीं। अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे x का स्क्वायर है तो x का मान कितना है 3 है, तो x बराबर 3 यहां रखिए, तो जब x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस y का स्क्वायर और y का मान 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और बटे फिर x स्क्वायर है और x का मान 3 है
तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस y का स्क्वायर है और y का मान 1 है तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 जोड़ेंगे 10 और 9 में से 1 घटाएंगे 8, मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके, तो ये 5 बटे 4 का मतलब इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए हैं, इसमें कुछ है नहीं, बड़े ध्यान से सीरीज को देखें, कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, चलिए एक आध सवाल और देखेंगे ना तो प्रैक्टिस खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए हमने सवाल ये लिखा, यदि 3a प्लस 2b बटे 2a माइनस बी बराबर 4/3 है तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इसका मान क्या होगा, मतलब देखिए बटे में दिया है वैल्यू और बटे में पूछा है, या तो अनुपात में देगा अनुपात में पूछेगा, या यही सवाल मैं ऐसा भी लिख सकता था, देखिए सिमिलर यही सवाल मैं लिख सकता था कि यदि 3a प्लस 2b और अनुपात बटे को अनुपात लिख दे 2a माइनस बी बराबर ये 4/3 है तो 4:3 लिख सकते थे, तो हमसे पूछा गया ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, देखिए दोनों बात एक ही है। अब इस सवाल को हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करना, पहचान तो समझ गए ना, अच्छा a बटे बी बराबर हो c बटे डी को तो हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तिरछा गुणा, तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इधर अंश में गुणा करेंगे और 4 का गुणा इधर हर में गुणा करेंगे, तो देखिए कैसे गुणा करना, पहले 3 का गुणा 3a में गुणा करेंगे तो 9a हो जाएगा, और 3 का गुणा 2b में गुणा करेंगे तो 3 दुना कितना हो गया 6b बराबर, इतना बात तो समझ रहे हैं। अब 4 का गुणा 2a में गुणा करेंगे तो 4 दुना कितना हो गया 8a और 4 का गुणा माइनस बी में माइनस 4b, मेरे ख्याल से इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तिरछा गुणा किए हैं सॉरी। अब a को a के तरफ कर दीजिए और b को b के तरफ कर दीजिए, बात समझिए, जैसे 9a यहां है 8a इधर आएगा तो घट जाएगा, और वहां पर माइनस 4b पहले से है और प्लस 6b उधर जाएगा तो माइनस 6b हो जाएगा। अब बताइए 9a में से 8a घटा दें तो कितना आएगा a, और माइनस 4b और माइनस 6b कितना हो गया माइनस 10b, इतना बात समझ रहे कि नहीं। अब चाहे a के स्थान पर माइनस 10b यहां रख दीजिए, या तो ऐसा करिए b को इधर बुला लीजिए तो a बटे b हो जाएगा बराबर माइनस 10, देखिए a पहले से है b गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग बराबर माइनस 10। हमसे पूछा किसका मान गया है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, अंश का भी स्क्वायर है हर का भी स्क्वायर है, तो हम इसको a बटे बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब a बटे बी का मान हमें पता है, a बटे बी बराबर किसके है माइनस 10 के, तो a बटे बी के स्थान पर कितना लिख दे माइनस 10, क्योंकि a बटे बी का मान कितना है, a बटे बी का मान माइनस 10 और इसका स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो a का मान माइनस 10b है और जहां पर a का स्क्वायर है वहां पे माइनस 10b का स्क्वायर कर दीजिए तो भी 100 ही आएगा, तो आप इस बात को समझ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा एक सवाल चाहे तो और देख लीजिएगा, हमने ये लिखा कि यदि yz अनुपात zx अनुपात xy ये बराबर 1:2:3 है तो हमने पूछा है x बटे yz भाग y बटे zx इसका मान क्या होगा। अच्छा अब बात समझिएगा,
पहले तो आप इसी को आसान कर लीजिए, क्योंकि ये अपने यूनिक फॉर्म में नहीं है। पहले हमें ये तो पता हो जाए कि मैं किसका वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखूं। तो सबसे पहले ध्यान देना, x बटे कितना है yz, और भाग यहाँ है, और भाग के स्थान पे यदि गुणा कर दे तो अगला वाला पद उल्टा हो जाएगा, मतलब जेड एक्स ऊपर हो जाएगा और वाई नीचे हो गया। तो अब ये जेड से जेड क्या हुआ, कैंसिल। तो अब यक्ष का गुणा यक्ष में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बटे वाई का गुणा वाई में वाई स्क्वायर। मतलब आप इसको लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का स्क्वायर। कुल मिला के हमें किसका मान निकालना है, एक्स बटे वाई का मान, और यक्ष बटे वाई का मान यहां पर रख दे तो उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ये तीन अनुपात आपस में बराबर है। हम समानुपात की परिभाषा जानते हैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, लेकिन यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है, तीन वैल्यू बराबर है। तो आप ऐसा करिए, प्रारंभ के दो अनुपात यहां से लीजिए और प्रारंभ के दो अनुपात यहां से, और लेके हल करिए और देखिए एक्स बटे वाई आ रहा है कि नहीं। और यदि नहीं आए तो अंतिम के दो अनुपात यहां से लीजिए और अंतिम के दो अनुपात यहां से खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कैसे, प्रारंभ के दो अनुपात वाई जेड, अनुपात का मतलब बटा, और ये कितना है जेड एक्स, और बराबर जब शुरू के दो अनुपात यहां से हमने लिखा तो शुरू के दो अनुपात यहां से लिखे एक बटे दो। अब जेड से जेड कैंसिल हो गया तो वाई बटे एक्स बराबर एक बटे दो आ गया, और हमें वाई बटे एक्स नहीं चाहिए, एक्स बटे वाई चाहिए। तो वाई बटे एक्स का उल्टा कर दे तो एक्स बटे वाई हो जाएगा, और एक बटे दो का उल्टा करेंगे दो बटे एक, और यही मान हमें चाहिए था। और यक्स बटे वाई का वैल्यू कितना आ गया, यक्स बटे वाई बराबर दो बटे एक, दो बटे एक का मतलब दो ही हुआ, तो यक्स बटे वाई का मतलब दो है, और इसका स्क्वायर कर दे उत्तर कितना गया चार। आपने इस सीरीज को देखा अनुपाती संख्या पर प्रश्न। अगले लेक्चर में मैं अनुपाती विभाजन के प्रश्नों के साथ आपके बीच फिर से आऊंगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।